हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रीन कस्टमैटिक स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 5 महीने से COVID-19 पैंडेमिक की वजह से हमारा जो ऑफलाइन टीचिंग चलता था, कॉलेज में टीचिंग चलता था, तो वो पूरा बंद है और अभी हमें ऑनलाइन टीचिंग चालू रखना है ताकि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग प्रोसेस है ये कहीं रुक ना जाए। तो इसलिए हमें ऑनलाइन टीचिंग टूल्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर जिसका नाम है स्क्रीन कस्टोमैटिक, इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री है और ऑनलाइन यूज करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीन रिकॉर्डर वी कैन रिकॉर्ड आवर वीडियोस व्हेन वी गिव प्रेजेंटेशन ऑफ आवर पीपीटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीन कस्टोमैटिक वी कैन रिकॉर्ड आवर कंप्यूटर स्क्रीन, वी कैन रिकॉर्ड आवर लैपटॉप स्क्रीन और वी कैन रिकॉर्ड आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे स्क्रीन कस्टोमैटिक की सहायता से रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको गूगल में जाके ये गूगल आपको ओपन करना है। गूगल कौन से भी ब्राउजर, चाहे वो आपका फायरफॉक्स हो या फिर गूगल क्रोम हो, वहाँ पे जाके आपको गूगल ओपन करना है और उसमें आपको स्क्रीन कस्टोमैटिक, अगर आपने पहले कभी सर्च किया है उसको, तो यहाँ पे ये कुछ स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और स्क्रीन कस्टोमैटिक पे आपको क्लिक करना है। स्क्रीन कस्टोमैटिक पे क्लिक करने के बाद एक पेज, नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये आपको दिखेगा screencustomatic.com और उसके नीचे आपको क्लिक करना है स्क्रीन कस्टोमैटिक स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो एडिटर। तो स्क्रीन कस्टोमैटिक आपको रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्रीन कस्टोमैटिक का फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं। तो ये पेज ओपन होने के बाद ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, वन इज स्टार्ट रिकॉर्डिंग फॉर फ्री और दूसरा ऑप्शन है ट्राई वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस स्टार्ट रिकॉर्डिंग फॉर फ्री एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा जहाँ पे है लॉन्च फ्री रिकॉर्डर और दूसरा है अपग्रेड रिकॉर्डर। अगर आपको कुछ मोर ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो आपको कुछ चार्जेस पे करके आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन हमें फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है लॉन्च फ्री रिकॉर्डर पे। लॉन्च फ्री रिकॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपका ये नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे रिकॉर्डिंग विंडो वी कैन सी हियर, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे रिकॉर्ड, एक सेटिंग का गियर आइकॉन यहाँ पे दिखेगा जो ये सेटिंग दिखाता है पूरा, और एक दूसरा एक ऑप्शन है कैंसिल करके। तो ये ओपन होने के बाद ये जो तीन ऑप्शन है, एक है स्क्रीन, दूसरा है वेब कैम और तीसरा है बोथ, मतलब अगर आपको पूरे स्क्रीन पे अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है, पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो, या फिर ये लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रीन। सो रिकॉर्ड जस्ट स्क्रीन एंड नो वेब कैम यहाँ पे लिखा था। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वेब कैम, सो यू कैन रिकॉर्ड जस्ट द वेब कैम बट वी कैनॉट रिकॉर्ड योर स्क्रीन, मतलब आपका चेहरा यहाँ पे पूरा दिखेगा तो वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है बोथ करके, बोथ मतलब यहाँ पे आपकी स्क्रीन भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी और एक कॉर्नर में आप भी वहां पे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे, मतलब ये दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा है बैंडिकैम करके है, तो यहाँ पे आप कॉर्नर में भी दिख सकते हैं। तो इसी तरह से स्क्रीन कस्टोमैटिक में भी आप कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैक्सिमम टाइमिंग जो है रिकॉर्ड करने का, तो हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स तक यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा क्लिप, वीडियो क्लिप आपको बनानी है तो फिर से आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर लॉन्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताए। तो साइज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमें फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, या फिर ये साइज लेनी है, या फिर ये साइज लेनी है, या फिर एक्टिव विंडो लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब हमारे कंप्यूटर की या लैपटॉप की यहाँ पे पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन क्लिक किया है। नेक्स्ट है नैरेशन करके यहाँ पे यूज करना है हमें, दैट इज डिफॉल्ट माइक्रोफोन। उसके बाद नीचे है कैप्चर ऑडियो, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है आफ्टर अपग्रेडेशन। तो ये हो गया सेटिंग, बाद में ये आपको क्लोज करना है। देन ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड बटन रेड कलर में, उसके बाद सेटिंग का बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से वो विंडो ओपन हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे है कैंसल बटन। सो हियर अभी हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। सो यू कैन मूव दिस बटन हियर, इन दिस वे यू कैन मूव दिस। तो हमें अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 3 सेकंड्स के लिए, और ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो। यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड्स दिख रहे हैं, बाद में मिनट दिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन कस्टोमेटिक्स के सहायता से हम 15 मिनट्स तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है। उसके बाद अभी रिकॉर्डिंग अगर हमें कुछ स्क्रीन शेयर करना है तो वो हमें यहाँ पे ओपन करने रखना पड़ेगा पहले। सो अभी ये जो स्क्रीन कस्टोमेटिक का स्क्रीन है ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो हियर वी कैन रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर स्क्रीन हियर। सो इन दिस वे अगर ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी स्क्रीन भी वहां पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन ओपन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग दिस स्क्रीन कस्टोमेटिक। तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपको कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ दिखाना है तो वो भी आप पहले आपको ओपन करके रखना पड़ेगा, और बाद में ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको ओपन करना पड़ेगा, जिसके जो है स्क्रीन कस्टोमेटिक रिकॉर्डर। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करता हूँ। सो हियर वी कैन मिनिमाइज दिस स्क्रीन हियर, सो आई कैन नाउ स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको डन करना है या फिर ये डिलीट करना है। यहाँ पे बटन है डिलीट का, सो डिलीट एवरीथिंग एंड स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करो। सो ये अब मैं डन करता हूँ। यहाँ पे डन करने के बाद आपको ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि सेव करो अपलोड करो। सो चूज टू सेव वीडियो फाइल और अपलोड टू स्क्रीन कस्टोमेटिक दैट और यूट्यूब, और यू कैन अपलोड दिस इन योर गूगल ड्राइव ऑल्सो और ऑन यूट्यूब डायरेक्टली। सो यहाँ पे चूज किया मैंने, सेव करके चूज किया, और उसके बाद ये एक नया ऑप्शन आपको, मतलब यहाँ पे ऑडियो में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अगर कुछ बैकग्राउंड साउंड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा ड्रॉइंग ऑडियो करके यहाँ पे आ गया है। सो यह लेटर ऑन ये आप सुन भी सकते हैं 3 सेकंड्स के लिए क्लिक करने के बाद। यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, आपको दिखेगा सेकंड्स दिख रहे हैं, बाद में मिनट दिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन कस्टोमेटिक्स के सहायता से हम 15 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है। उसके बाद अभी रिकॉर्डिंग अगर हमें कुछ स्क्रीन शेयर करना है तो वो हमें यहाँ पे ओपन करने रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये सुनने के बाद अगर आपको कंफर्म लगा तो आप ये फाइल सेव करनी है। यहाँ पे सेव एज ऑप्शन आएगा आपको, और यहाँ पे ये फाइल आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं फाइल को, जैसे यहाँ पे मैं आप यहाँ नाम दे दूंगा ट्रायल करके। सो दिस ट्रायल MP4 ये नाम आ गया यहाँ पे फाइल नेम, और यहाँ पे कहा जहाँ पे सेव हो रही है फाइल उस फोल्डर का नाम आ जाएगा। तो दिस इज सेविंग इन डॉक्यूमेंट्स, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी ये फाइल। तो इसी तरह से आपको ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे बाद में एक ऑप्शन आएगा पब्लिश करके, तो वहां पे पब्लिश के क्लिक करने के बाद ये जो आपका वीडियो आपने सेव किया है उसको नाम दिया है तो ये पब्लिश हो जाएगा, और बाद में एक ऑप्शन वहां पे आएगा डन करके, लास्ट में डन करके ऑप्शन आएगा, और उस डन पे क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है इट गेट्स सेव्ड इन दैट फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर चूज किया था डॉक्यूमेंट्स करके, तो वो डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।